तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ये सब को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है पहला में एम जी मनरेगा, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है NRLM की वेबसाइट। NRLM की वेबसाइट का मतलब होता है कि आपके गांव में कितने लोगों ने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार लिए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर कितने ग्रुप बनाए हैं, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपके यहाँ से मतलब होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे एक नंबर दिखाई देता है जहाँ पर लिखा 137। ठीक है, तो आपके ग्राम पंचायत में 137 लोग हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हुआ है, यानी कि घर पास हो चुका है, हाउस एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो किन किन लोगों का हाउस एक्शन हुआ है आपके ग्राम पंचायत के अनुसार आप यहाँ से इसका नाम भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई मेरा जहाँ पर अबाउट स्कीम आपको नजर आ रही है, और एक आपको आता है स्टैटिक्स, और आपका एक आता है कॉन्टैक्ट पर्सन। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पर एसटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एसटी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है एलिजिबल बेनिफिशियरीज, यहाँ से आप उन लोगों का नाम लिस्ट चेक कर सकते हैं जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत में कितने लोगों ने अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उसका नाम देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे गाँव में यहाँ से 258 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और उनमें देख सकते हैं कि हाउस सेक्शन 137 लोगों का यहाँ पर घर पास हुआ है। ठीक है, 137 लोगों ने घर पास हुआ तो उनमें देख सकते हैं कि 135 लोगों को यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, एक देख सकते हैं 119 लोगों का यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है, और 105 लोग देख सकते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला है, और 112 लोगों का पूरा घर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्या कि पहला वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पेज थोड़ा सा लोडिंग लेता है, और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने आपके ग्राम पंचायत जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबका लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई मिल जाता है। अगर आपने भी अप्लाई करे हो तो आपका भी नाम यहाँ पर दिखाई मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, जूम करके थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। जूम करने के बाद मैं सीधे आपको डेट दिखाता हूँ। यहाँ पर डेट देखते हैं कि 8/8/2020, ये बिल्कुल लाइव दिखाता है। जैसे आप क्लिक करोगे तक में दिखाया था रिडायरेक्ट टू लाइव पेज, तो बिल्कुल लाइव पेज है। ठीक है ना, जब जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है अब तब तब ये आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रत्येक टाइम आपको दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप भी लोगों ने अप्लाई किया सबका नाम पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका रजिस्टर नंबर है। ठीक है, जितने भी लोगों ने ग्राम पंचायत की वेबसाइट की मदद से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करे हैं सबका यहाँ पर रजिस्टर नंबर आपको दिखाई मिलता है। और आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई मिलता है कि बेनिफिशियरीज नेम एज पर बैंक, आपके बैंक में क्या नाम है आपको यहाँ पर नाम दिखाई मिलता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और बैक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देती है आपके बेनिफिशियरीज नेम एज पर डेटा के अनुसार। ठीक है, ये आपका है नाम, तो आपको यहाँ से अपना नाम देख लेनी है कि आपका नाम यहाँ पर है कि नहीं है। अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं है तो इसका समझ लो कि आपको यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना पास नहीं होगा, आपको घर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका नाम यहाँ पर है तभी आपको यहाँ घर पास होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है आपके फादर्स के नाम, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उसके फादर्स का नाम आपको यहाँ पर दिखाई मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से डेटा का सारा डेटा कहाँ पर चेक करोगे तो आपका नाम यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसको बैक लेता हूँ। तो बैक में जैसे क्लिक करता हूँ उसके बाद आप देखना चाहते हो कि किन किन लोगों का यहाँ पर हाउस एक्शन, तो आपको जो दूसरे वाला ऑप्शन आपको दिखाई मिलता है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है, और आपके सामने जो डेटा है जो भी जिनके लोगों का हाउस एक्शन हो चुका है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तरफ दिखाता है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाता है। ठीक है, एक देख सकते हैं एक तरफ रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर दिखाता है, और एक तरफ आपका यहाँ पर बैंक नेम दिखाती है, और आपका यहाँ पर जो भी जिसका नाम है जिसका ये हाउस एक्शन हुआ है उसका नाम आपको दिखाई मिलता है, उनके फादर्स का नाम, और आपको यहाँ पर दिखाता है डेट्स। ठीक है, तो और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया था अमाउंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं 1,20,000 जितने लोगों का यहाँ पास हुआ है सभी का यहाँ पर नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाना है। बैक जाने के बाद अगर आप देखना चाहते हो कि किन किन लोगों का यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गारंटेड हुआ है तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेता है, अगर आपने काफ़ी अच्छी है तब को तुरंत आ जाता है, नहीं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि ये बिल्कुल लाइव दिखाती है और लाइव रिपोर्ट बताती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है
आपकी PMAY G ID आपको दिखाई दे, ये आपकी ID बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ID का आपको कॉपी कर लेना, इसी ID की मदद से अपना जो होती है ना अपने घर का जो फोटो खींच के आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ID बहुत ज़रूरी है, तो इस ID को आपको संभाल के रखनी है, आपका नाम यहाँ पर है तो, ठीक है। तो इस ID की मदद से ही क्या कर सकते हैं, अपना घर के जो फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, या किसी तरह कोई भी बदलाव चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से, आप इस ID की मदद से कर सकते हैं। और आपका पासवर्ड भी यहाँ से कुछ जरूरत नहीं पड़ती, आपको मोबाइल में OTP आता है, OTP को फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर बैंक में नाम दिखाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम दिखाता है और आपका यहाँ पर ये, उसके बाद आप सकते हैं इंस्टॉलमेंट दिखाता है 40,000 का, और डेट दिखा रहा है कि रिलीज डेट किस डेट को आपको यहाँ आया, आप देख सकते हैं 3/8/3/8/3/8/3/8, ठीक है ना, ये 20/7, ठीक है, ये पूरा नया लेटेस्ट डेट है सब कुछ, ठीक है ना, ये अगस्त का डेट है। तो आप इस तरह से यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किन किन लोगों के यहाँ पर हाउस सेक्शन हुआ है और कितने लोगों का फर्स्ट इंस्टॉल मिला है, कब कब मिला है, ठीक है। तो ये रहा आपका ये, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक निकल जाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपको पहला वाला जो ये वाला जो ऑप्शन है, तो बोलते हैं एलिजिबल बेनिफिशियरी, अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका नाम नहीं है तो सिंपली आप कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अपने जो ब्लॉक में होता है जो, या फिर जो ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं, आप उसको मेल कर सकते हैं, या फिर कॉल करके बोल सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरा नाम यहाँ पर ऐड नहीं है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक निकल जाता हूँ। बैक निकलने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर ये हैंग कर रहा है मोबाइल, तो यहाँ पर आपको दिखाई मिल रहा है जहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दे रहा हूँ आपको ताकि अच्छा ना, आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन पर। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक नाम आ रहा है, ये जो हमारे एरिया का जो है रतन कुमार सिंह, ठीक है ना, ये हमारे वीडियो, ठीक है ना, वीडियो का जो ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है ना। तो आपके जो ब्लॉक में होती है जो आवास को अप्लाई करते हैं, जो घर अप्लाई करते हैं, ये उनका नाम है, ठीक है ना। यही लोग जो है जो आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में जो आधार कार्ड घर में से, आपका आधार कार्ड या फिर जॉब कार्ड का नंबर ले जाते हैं और आप लोग इन लोग के पास जमा कर देते हैं, वही लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर किसी तरह कोई मिस्टेक्स है, या अगर आपका यहाँ पर जो आपका कोई पेपर है जो आपका आधार कार्ड जो अगर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो यही लोग अप्लाई करता है। तो आप इसको, अगर आपका नाम नहीं ऐड हुआ है तो आप इसको मेल कर सकते हैं कि आपका नाम बताना है, आपका आधार कार्ड का डिटेल बताना है, और इस मेल करके बता देना है कि ये मेरा अभी तक नाम क्यों नहीं आया है, ठीक है, ये हमारे वीडियो का है, ठीक है ना, आपके ब्लॉक का एरिया का ही है और ये हमारे ग्राम पंचायत के, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसका ये मेल आईडी है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग का कोई किसी तरह की जरूरत है, जरूरत पड़ता जाता है, या फिर नाम लीड ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको मेल कर सकता हूँ यहाँ से इसको, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दे रखी है आपके एरिया का, अगर मान लो किसी किसी मोबाइल नंबर आपको दिया रहता है, ठीक है, तो क्या मोबाइल नंबर नहीं दे रखी है, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको मेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कोई तरह कोई चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से इनको मेल करके आप यूज़र आईडी पासवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं यार इस तरह नॉलेज वाली वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल साथ। थैंक यू, टेक केयर सर, बाय बाय। 8 मिनट का बना दिया वीडियो।